तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविंद्र। आप लोग देख रहे हैं भोजपुरी स्टोर चैनल। अभी पूरी तरह से भोजपुरी इंडस्ट्री अगर कहा जाए तो बर्बाद की तरफ बढ़ चुका है। लगातार एक से बढ़कर एक विवाद, लगातार एक से बढ़कर एक केस, ये आप लोगों को सोशल मीडिया पर, यहाँ तक कि सारी जानकारी आप लोगों को मिल रहा होगा। सबसे बड़ी बात तो एक गाना आप लोगों के बीच आया हुआ, जाकर आप लोग सुनिएगा। बहुत ही शानदार गाना खेसारी लाल यादव का है, जो पहला एल्बम है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ इस समय भोजपुरी इंडस्ट्री में हो रहे विवाद को लेकर, केस को लेकर। अभी अभी हाल फिलहाल में सौरभ ऐश्वर्या और राजन सिंह मुकुट, जो दोनों पवन सिंह और खेसारी लाल यादव की तरफ से एक जो है वो आपसी विवाद कर रहे थे, काफ़ी आप लोगों ने देखा, और यहाँ तक कि मामला लड़ाई तक पहुँच चुका था। लेकिन एक मामला को लेकर राजन सिंह मुकुट ने मोतिहारी पुलिस को टैग करते हुए लिखा है कि मतलब मुझे जान से मारने की धमकी मिला है सौरभ ऐश्वर्या से। और इसको टैग करने के बाद मोतिहारी पुलिस ने ये भी कमेंट किया है कि मामला संज्ञान में है, विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है, यानी सौरभ ऐश्वर्या पर जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाएगा। और इसका जो है केस का जो मामला है राजन सिंह मुकुट ने किया है। तो क्या भोजपुरी में यही अब सब बाकी है? एक से बढ़कर एक यूट्यूबर, एक से बढ़कर एक कलाकार, आपसी मतभेद और विवाद के चलते आज भोजपुरी इंडस्ट्री गर्त में भी जा रहा है और ऊंचा भी है। ये नहीं कि ये डूब चुका है और बहुत ऊंचा चला गया है, नहीं, भोजपुरी इंडस्ट्री अभी शांत लेवल से चल रहा है। लेकिन ऐसे हरकतों से ये आगे नहीं बढ़ेगा दोस्तों, ये पीछे रहेगा। तो आप लोग अपने अपने संज्ञान क्या है, आप लोगों का क्या कहना है, इसके बारे में कमेंट करिए। क्या ये सही है गलत है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए।